हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्म स्टोन नंबर को कैसे चेक कर सकते हैं पीएचपी लैंग्वेज के माध्यम से। मैं पीएचपी लैंग्वेज से जितना सारा मैथमेटिकल कैलकुलस होता है उन सभी को बारी बारी से इस चैनल पर मैं लेकर आऊंगा। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आर्म स्टोन नंबर होता क्या है। तो जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। तो देखिए, नोटपैड मैं ओपन कर लिया हूँ और कोई भी मैं नंबर ले लेता हूँ, जैसे 123 नंबर लेता हूँ, ठीक है। तो आर्म स्टोन नंबर निकालने के लिए ये तीनों का क्यूब निकालना होगा। मीन्स जो पहला है 1 है, दूसरा 2 है और तीसरा 3 है। तो पहला का आपको क्यूब निकालना पड़ेगा। मीन्स क्या करना होगा, 1 × 1 × 1 करना होगा, ठीक है। और दूसरा का भी आपको वैसा ही करना होगा, 2 × 2 × 2। और तीसरा का भी आपको वही करना होगा, 3 × 3 × 3, ठीक है। अब इन सभी को आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, आप 1 में 1 में 1 गुना करेंगे तो 1 आएगा, और इसमें गुना करेंगे तो यहाँ 4, आप 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आपको 23 आ जाएगा। इस तरह से 3 × 3 = 9 और 9 × 27। अब आप इन सभी को ऐड करना है आपस में। तो 1 + 8 + 27, तो आप बताइए कि ये कितना होगा। ये होगा 36 होगा। देखिए ये 36 होगा, ठीक है। यहाँ 9 हो जाएगा और 9 × 27 / 36 हो जाएगा। तो ये आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जो आंसर आएगा वो पहले जैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स जितना आंसर आएगा वो पहले, मीन्स जो आपका सवाल है जिसका आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर निकाल रहा है उतना नंबर आपका आंसर आना चाहिए, तभी वो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होगा। तो चलिए मैं एक आपको आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर निकाल कर दिखाता हूँ इसी में। तो जैसे 407 एक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो आप इसको यहाँ पे 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 × 4, तो इसका आंसर कितना आएगा। उसी तरह 0 × 0 × 0 और उसके बाद आप 7 को कीजिएगा इस तरह से 7। देखिए मैं 7 × 7 × 7 ये कितना आएगा, यहाँ पे मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। और आप 7 × 7 × 7 करेंगे तो आपको आएगा 343 आएगा। तो देखिए मैं कैलकुलेटर में आपको बता देता हूँ इस तरह से। इसमें प्लस कीजिए इस 64 को, कितना आएगा 407, और इसमें प्लस कीजिए 0 को तो उतना ही आएगा 407। तो ये क्या, इसको आप क्या कर सकते हैं कि ये एक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो चलिए इसी को हम लोग पीएचपी के माध्यम से किस तरह बनाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में आ जाइए और ऊपर या नीचे आप पीएचपी का सिंटैक्स लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं पीएचपी का सिंटैक्स लिख लिया हूँ। तो सबसे पहले आपको एक नंबर चाहिए जिसको आर्म स्टोन नंबर चेक करना है। तो एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ डाटा के नाम से, और उसमें मैं आर्म स्टोन नंबर को राइट कर देता हूँ, जैसे 407। के बाद आप एक वेरिएबल बनाइए टोटल के नाम से इस तरह से, और इसमें 0 को असाइन कर दीजिए। एक और वेरिएबल बनाइए आपकी किसी भी नाम से, तो मैं एक्स नाम से बनाता हूँ, और उसमें मैं डाटा वेरिएबल को असाइन कर दूंगा। मीन्स ये 407 को असाइन कर दूंगा। इसके बाद आप एक लूप चलाइए। तो मैं यहाँ से वाइल लूप को चलाता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ एक्स वेरिएबल नॉट इक्वल टू 0। इतना लिखने से क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ कि ये लूप तब तक चले जब तक एक्स में 0 ना आ जाए।
और मैं बता दूं कि ये वाइल लूप मैं क्यों चला रहा हूं, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं मेरे को फोर का क्यूब निकालना है, उसको जोड़ना है टोटल में, फिर जीरो का क्यूब निकाल कर इसमें जोड़ना है, फिर सेवन का क्यूब निकाल कर इसमें जोड़ना है, इसीलिए मेरे को वाइल लूप चलाने की आवश्यकता है। इसके बाद आप एक वेरिएबल बनाइए रिमेनिंग के, और इसमें आप एक्स पास कीजिए वेरिएबल एक्स, और इसमें आप परसेंटेज दीजिए 10 से, मीन्स 10 से आप मॉडुलस कीजिए, और इस तरह से आप कर दीजिए। और इसके बाद आप टोटल वेरिएबल लिखिए इस तरह से टोटल, और यहाँ पे आप लिखिए वेरिएबल टोटल वेरिएबल लिखिए और प्लस कीजिए, और इस तरह से आप दे दीजिए। और इसमें आप क्या कीजिए कि जो आपका ये रिमेनिंग यहाँ पे आ रहा है, मीन्स एक्स में जो परसेंटेज निकल कर आएगा रिमेनिंग में, तो रिमेनिंग के हु तो हमको क्यूब निकालना है। मीन्स इसमें अगर आप 407 में अगर आप 10 से डेट मॉडल्स निकालेंगे तो वन ही नंबर आएगा, तो वो वन नंबर क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसीलिए इस 7 को ये रिमेनिंग में आ जाएगा, तो इस 7 को हमको 3 बार लिखना होगा। तो इस तरह से आपको देखिए ये जो पहला हो गया, अजूम कर लीजिए कि ये 7 है, और फिर आपको 7 को मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर 7 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से 3-3 बार आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होकर आपको इससे जुड़ जाएगा, मीन्स टोटल में अभी क्या है 0, तो यहाँ पे 0 आपको यहाँ पे असाइन हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिए, जो जो एक्स वेरिएबल लिखिए, और एक्स वेरिएबल में आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर देंगे तो अब इसमें 3 नंबर है, तो एक नंबर कट जाएगा और 2 नंबर आ जाएगा, तब तक के लूप चलेगा, फिर जाएगा तो फिर 0 का मॉडल से निकलेगा, और यहाँ और एक्स एक्स में बच जाएगा 4, उसके बाद फिर 4 का क्यूब निकलेगा, और 4 का क्यूब जब निकल जाएगा तो इसमें आ जाएगा 0, तो जब 0 इसमें आ जाएगा तो ये लूप बंद हो जाएगा। और इसके बाद आप इको कर दीजिए, और इको में आप क्या इको करेंगे, टोटल का इको करेंगे इस तरह से, इसको आप सेव कीजिए, और यहाँ से आप इसको रिप्लेस कीजिए, तो क्या आ गया 407 आपका ये आ गया। आप इसको कंडीशन भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे इफ में आइए, और इस तरह से आप कंडीशन लगा दीजिए कि जो डाटा है क्या इक्वल इक्वल टोटल के बराबर है। इस तरह से अगर टोटल के बराबर है तो इको में आप लिख दीजिए दिस इज आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, इस तरह से आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर इस तरह से आप लिख सकते हैं, और एल्स में भी आप इसी तरह से कंडीशन आप पास कर सकते हैं। इको में दे दीजिए कि ये है दिस इज नॉट आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, और इस इको को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, और यहाँ से इसको सेव कीजिए, और यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कीजिए, तो देखिए क्या आ रहा है, दिस इज आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। इसी को आप कोई और नंबर में चेंज कर देंगे इस तरह से, और सेव करेंगे, और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए आ रहा है दिस इज नॉट आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। अब इसी को हम लोग एक फॉर्म के माध्यम से बनाते हैं, तो सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है। इस बॉडी में आइए, और आप फॉर्म को स्टार्ट कीजिए, और फॉर्म में आप एक्शन डिफाइन कीजिए कि मेरे को रिजल्ट इसी पेज में मिले, तो इसी पेज का आपको लिंक देना होगा, तो मैं इसी पेज का लिंक दे दिया। उसके बाद मेथड में लिखता हूँ पोस्ट, और इस फॉर्म के अंदर इनपुट देता हूँ, और टाइप में टेक्स्ट देता हूँ, और इस इनपुट का वैल्यू को मुझे पीएचपी पेज में लेना है, तो इसीलिए हम इसमें नेम में कोई भी नाम लिख दूंगा। तो मैं जैसे इसमें डाटा नाम लिख देता हूँ, और इसके बाद एक बटन बना देता हूँ सबमिट बटन, इस तरह से बटन बनाता हूँ सबमिट, और यहाँ टाइप में मैं सबमिट दे दूंगा कि ये जो टाइप ये जो बटन है ये सबमिट के तरह बिहेव करे। तो देखिए आपका ये फॉर्म का काम हो गया, बॉडी का एचटीएमएल का काम हो गया। अब चलिए पीएचपी में चलिए, और यहाँ पे जो आपका ये डाटा है, इससे पहले आप
एक कंडीशन को लीजिए इस तरह से, और आप सर्वर में लिखिए इस तरह से, सर्वर सुपर ग्लोबल में आप कैपिटल लेटर में लिखिए रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड, और यहाँ पे इक्वल इक्वल आप चेक कीजिए क्या पोस्ट हुआ है या नहीं। मीन्स इतना लगाने से क्या हुआ कि सबमिट बटन पे क्लिक होगा तभी ये कोड रन होना चाहिए। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, कट कर लेता हूँ और इस लूप के अंदर मैं इसको रख दूँगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है आपको। एक वेरिएबल जो ये डाटा है इसी में आपको इस इनपुट का जो भी डाटा टाइप होगा उसको इसमें असाइन करना है, तो उसके लिए आपको अगेन सुपर ग्लोबल का उपयोग करना होगा इस तरह से। तो आपके बार आप पोस्ट की कीजिए, पोस्ट किस लिए करेंगे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप मेथड में पोस्ट लिखे हैं। अगर गेट लिखते तो यहाँ पे आप गेट लिखते हैं, तो पोस्ट में आप नेम का नाम लिखिए, नेम का नाम क्या है डाटा है, देखिए यहाँ पे नेम का नाम डाटा है। तो इस इनपुट फील्ड में जो भी टाइप होगा वो इसके माध्यम से इस डाटा में असाइन हो जाएगा, और असाइन हो जाएगा तो यहाँ पे सब चीज़ चेक हो ही रहा है और रिजल्ट मिल ही जाएगा। इसके बाद इसको सेव कीजिए, और यहाँ आने के बाद इसको आप रिफ्रेश कीजिए, और इसमें आप कोई भी आप नंबर इसमें टाइप कर दीजिए। तो मैं इसमें 121 लिखता हूँ, यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो लिखा हुआ है दिस इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसी को हम लोग 407 करेंगे, तो देखिए ये है दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, मीन्स ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो इसी तरह से आप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को निकाल सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो बगल में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। तो चलिए कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।